ज्ञानवापी केस में कानूनी लड़ाई का आज अहम दिन है। आज तय होगा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने जाने योग्य है या नहीं है। हिंदू पक्ष ने अब सीधे उस शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगा है जिससे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी परिसर के भीतर मंदिर है या फिर सालों से यहाँ मस्जिद थी, यहाँ सर्वे में मिले शिवलिंग का सच क्या है और क्या यहाँ श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित रूप से पूजा की इजाजत हिंदुओं को मिलेगी? ये वो सवाल है जिन पर बयानों, दलीलों और याचिकाओं के जरिए कानूनी जंग मची है। आज इस कानूनी जंग का अहम पड़ाव है, खासतौर पर ज्ञानवापी मामले में आज इस केस की आगे की दिशा तय होगी। हम लोग का कंटिन्यू सुनवाई शुरू हो जाएगा, तो जब सर सुनेंगे, न्यायाधीश सुनेंगे, तो हम लोग को पूर्णता विश्वास है कि जो सत्य है, जो छुपा हुआ है, वो सत्य सारा सामने आएगा। सत्य की जीत होगी, सत्य नहीं हो जाते। मेरे तरफ से पहले प्रार्थना पर दिए गए थे कि शिवलिंग जो मिले हैं उसके तहखाने के मलबा वगैरह हटा करके रिपोर्ट आई जाए। शासन की ओर से प्रार्थना पत्र था मछलियाँ औजू करने के लिए। विपक्ष का प्रार्थना पत्र था कि 7/11 पर यानी पोषणता पर सुनवाई के लिए ठीक कमीशन रिपोर्ट पर जो वीडियोग्राफी हुई है, फोटो हुआ, उसको मुझे नकल उपलब्ध कराई जाए। वाराणसी के जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि श्रृंगार गौरी का पूजा का मामला सुने जाने योग्य है या नहीं। हिंदू पक्ष इस पर दलीलें दे चुका है, आज बारी मुस्लिम पक्ष की है। मुस्लिम पक्ष धर्मस्थल कानून 1991 के बिना पर मामला खारिज करने की मांग कर रहा है। जिला अदालत फैसला करेगी कि क्या 1991 का कानून ज्ञानवापी पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राथमिकता के आधार पर इस पर फैसला करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत को दिया है। इस बीच जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के भीतर हुए सर्वे पर दोनों पक्षों से एक हफ्ते में आपत्तियां मांगी हैं। माननीय जिला न्यायालय में केवल राखी सिंह बनाम राज्य सरकार का जो वाद है वो ट्रांसफर किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसकी सुनवाई रखी जाएगी। अन्य मामले जो ज्ञानवापी को लेकर के पेंडिंग है, सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर जी के यहाँ पे, उनमें जो तारीख है वो 18 जुलाई की रखी गई है। तो अभी केवल राखी सिंह को लेकर के प्लेस ऑफ वर्शिप 7/11 के ऊपर आर्ग्यूमेंट है, उसका इंतजार करते हैं, बाकी अलग असल। ज्ञानवापी को लेकर एक और याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। वैश्विक सनातन संघ की किरण सिंह की याचिका में ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री बंद करने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। मस्जिद का गुंबद ढहाने की मांग भी याचिका में की गई थी। इस याचिका को फास्ट ट्रैक अदालत को सौंप दिया गया है। कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया है जिसकी सुनवाई 30 तारीख को होगी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो हम चाहते हैं वही होगा। हमें जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष चाहिए, हमें पूजा पाठ करने का जल्दी से जल्दी अधिकार मिले। आपकी मांगे क्या क्या थी? हमारी मांग, पहली मांग ये थी कि ज्ञान परिसर में हिंदू मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। दूसरी मांग ये है कि हिंदुओं को ज्ञान परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए।